दबा-दबा खुश रखे, बात रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे इस बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। जैसे कि सर्दियां आ गई और सर्दियों में आई है लाल और लाल सी गाजर, बड़ी मजेदार सी और कितनी फायदेमंद है गाजर। इस सीजन में जरूर आपने खानी चाहिए इस गाजर को, जूस बना के पिए या फिर आप हमारा चिकन गाजर का सालन ट्राई करें, मजा आ जाएगा आपको। खाकर एक दफा अपने किचन में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। हमने बनाया मजेदार सा चिकन गाजर का सालन, चलते हैं मजेदार सा चिकन गाजर का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने करते जाना है। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में आई है जबरदस्त सी लाल और लाल सी गाजरे, तो सोचा गाजर चिकन क्यों ना बनाया जाए। आप इस रेसिपी को गोश्त में भी बना सकते हैं। हमने डाल दिया 1/4 कप कुकिंग ऑयल एक कढ़ाई में और इसके अंदर जीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। जीरा देखें क्रैक हो गया हमारा अच्छे से। अब हम इसके अंदर 1 अदद मीडियम साइज की प्याज लीजिए, इसको पानी में डाल के फर्स्ट तरह ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लिया वो इसमें ऐड कर देंगे। देने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। मजे मजेदार सी रेसिपियाँ हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। लाल मिर्च डाल देंगे आपके टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून डालिए मैंने। इसके साथ साथ नमक डाल देंगे, हम बना रहे हैं भुना हुआ तो इसलिए नमक थोड़ा कम डालिएगा तेज ना हो जाए। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 बड़े साइज के टमाटर लेके उसका भी हमने पेस्ट बना लिया था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने क्या करना होगा, खूब अच्छे से मसाले को पीस भूनना होगा कि इसके अंदर जो प्याज का कच्चापन है, अदरक लहसुन मसाले का, सब हमारा भून जाए अच्छे से और इसकी स्मेल खत्म हो जाए और दानेदार सा हमारा मसाला हो जाए, फिर हम आपसे मिलते हैं। जबरदस्त सा भुन चुका है, खुशबू जैसी शानदार किचन में आ रही है, बहुत मजेदार सी आ रही है। अब हमने क्या करना है, मैंने ली थी 250 ग्राम चिकन ली थी विद बोन, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून देंगे। भून लिया है। अब मैंने 2 अदद गाजरे ली थी, उनको पील ऑफ करके इस तरह करके बीच में 2 करके काट लिया था, अब वो भी हम इसके अंदर ऐड कर दिए। हरी मिर्चे डाल देंगे और पानी हम इसके अंदर इतना ऐड कर देंगे कि गाजरे और चिकन हमारी गल जाए, क्योंकि हम भुना हुआ बना रहे, शोरबे वाला नहीं बना रहे। मैंने इसके अंदर डाला होगा कोई 1/4 कप पानी। अब पानी डाल के मैं इसको लेट लगा के रख देती हूँ कि गाजरे और चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाह हमारे लेट उठा के देखते हैं, ये देखिए जबरदस्त सा हमारा गाजर चिकन खाने के लिए तैयार हो चुका है। गाजरे भी हमारी ये देखें गल गई है बिल्कुल, हमने इसको ये देखिए बिल्कुल गल गई है गाजर की। देखिए गाजरों को बिल्कुल घोट नहीं देना, ये देखिए कितना जबरदस्त सा हमारा सालन तैयार हुआ है। अब हम इसके अंदर बारीक बारीक हरा धनिया काट के वो डाल देंगे, टहनियों के साथ डालें, जरा मजेदार सी इसकी खुशबू और जायका आता है। हरा धनिया आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे और फिर हमारा गाजर चिकन हो जाएगा खाने के लिए तैयार। हमारा गाजर चिकन खाने के लिए तैयार हो चुका है। चाहे तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो या गर्मा गर्म रोटियां डालिए और उसके साथ इसको एंजॉय करिए। वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो क्या काम करना है,
बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को तो प्रेस कर दिया करें ताकि आप फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सके। चले आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।